तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने जो जबलपुर के राजा हैं उनका आगमन है, तो हम जा रहे हैं अपने पहले रानीताल जहां से वो आएंगे और उनका आगमन होना है अपने कमानिया गेट के आसपास जो मार्केट है उसके अंदर वो बैठते हैं। आपके पहले वाले ब्लॉग में आपको मैंने दिखाया था, तो जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और गाइस तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं, आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि भाई जबलपुर के राजा का आगमन है, बहुत ही धूमधाम से होगा। तो चलिए चलते हैं और पहले पंडाल पे पहुंचते हैं अपन और दिखाते हैं कैसी तैयारियां हैं। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज यार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने पंडाल पे जहां से अपने गणेश जी के राजा जो हैं वो जाने वाले हैं अपने जबलपुर के जो। और गाइस देख सकते हैं यहां पे अभी उनका आर्च जो है पीछे कोई पेंट किया जा रहा है, ऑलमोस्ट तैयारी चली रही है। इधर एक और आर्च बनाया जा रहा है, ये शायद दूसरों का है या फिर इन्हीं का होगा, पता नहीं अपने को। बाकी ये आर्च यहाँ पे एक बनाया जा रहा है और बाकी यहाँ पे मूर्ति अपनी जो है वो उधर पे है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बात करते हैं कितने बजे यहाँ से जाएगी। अभी तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, एक घंटे तक लग जाएंगे। बाकी यहाँ पे ढोल वोल सब आ चुके हैं देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक प्यारा सा सिनेमैटिक यहाँ। सो गाइज यहाँ पे जो पूजन है वो चालू हो चुका है आप देख सकते हैं। और अपने ये देखिए मूसक राज जी और ये प्यारे गणेश जी, अभी ये सब साइड होगा फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। पूजन फाइनली चालू हो चुका है, पूजन एक बार हो जाएगा उसके बाद फिर ये सब हटाया जाएगा। और तो चलिए आपको दिखाते हैं प्यारा सा सिनेमैटिक पूजा का। गाइज यहाँ पे अपने हैं समिति के भैया, तो भैया पहले अपना नाम बताइए और बताइए कितने सालों से गणेश जी रखे जा रहे हैं, कौन से पैटर्न आपको ये कहाँ से मिला और कहाँ पे रखे जाते हैं? यश गुप्ता नाम है हमारा जी, गड़ा पाठक जबलपुर का राजा श्री साई गणेश समिति, गड़ा पाठक विशाल प्रतिमा, गड़ा पाठक में स्थित ये प्रतिमा है। ये हमारे पप्पा 40 वर्षों से विराजमान है। ये मूर्ति हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे महाराष्ट्र के राजा की देखी थी, ये पैटर्न हम लोगों ने उसी में से देख के बनवाया। तो गाइज आप लोग जरूर आए इस मूर्ति को देखने क्योंकि इस बार बहुत ही अलग मूर्ति बनाई गई है, एकदम महाराष्ट्र पैटर्न के अपने जो बप्पा हैं वो बनाए गए हैं। और अब इनकी तैयारी बस हो ही रही है, सब निकाला जा रहा है और आर्च वगैरह लगा के फिर इनको इनकी सवारी पे बैठा के और ले जाया जाएगा गड़ा फाटक साइड। और देख सकते हैं मूसक राज जी को विराजमान कर दिया गया है, बाकी यहाँ पे पब्लिक भी बहुत आ गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनके प्यारे से सिनेमैटिक्स। सो गाइज अब जो है उस मूर्ति को इस पे ले जाया जा रहा है, उनका जो रथ है आ चुका है देख सकते हैं। मूसक राज जी को पहले ही बैठा दिया गया है, अब पप्पा को कैसे भी करके अच्छे से बैठाया जा रहा है, बाकी सब लोग लगे हैं। और देखिए कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है भाई, मानना ही पड़ेगा इस बार महाराष्ट्र पैटर्न की मूर्ति बनाई गई है, शानदार लग रही है आप लोग देख सकते हैं। बाकी अब इसको बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत भारी मूर्ति है, तो इसको अब आराम से वो करके भैया लोग जो है तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर करके अब इसके ऊपर बैठाया जाएगा और उसके बाद फिर ले जाया जाएगा इनकी लोकेशन पे जहाँ पे भैया बताए थे। तो आप देख सकते हैं भाई कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और गाइस देख सकते हैं अब इनका आर्च जो है वो लगाया जा रहा है और बहुत ही प्यारा आर्च भी बनाया गया है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र पैटर्न के ही अपने बप्पा बनाए गए हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, आर्च पीछे लगाया जा रहा है और फाइनली अब उसको बांधा जाएगा अच्छे से जिससे वो कुछ हिले डुले ना। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब इनको जब इनको एकदम फाइनल तैयार हो जाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस अब देख सकते हैं बन चुका है और अब आर्च को जो है उठाया जा रहा है, लगाया जा रहा है पीछे आप लोग देख सकते हैं। और आर्च के लगने के बाद बप्पा का प्यारा और भी प्यारा लुक आएगा आपको दिखाता हूँ मैं। और देखो यहाँ पे पूरा एकदम से उठा के लगाया जा रहा है बहुत ही आराम से। और इधर से पूरा ये प्लाई का बनाया जो उस पर वर्क हुआ है आगे वो पूरा थर्माकोल का है देख सकते हैं आप लोग, दिखाया मैं आपको। और वो होल जो दो किए गए ये लकड़ियों के लिए किए गए, आपको दिखाता हूँ अभी। और गाइस देख सकते हैं आर्च लगने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं अपने पप्पा, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। पहले लग रहा था कि छोटा है आर्च लेकिन उन दो लकड़ियों के कारण ऊपर नहीं आ पा रहा था, अब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है लुक। एक बार आप सिनेमैटिक और चेक करो। साथ तेरा बस जाऊं मैं,
गाइस यहाँ पे व्लॉगिंग फॉर यू भैया भी आ चुके हैं और आज है दो दो आगमन, जो कि आज अपना एक है मालवीय चौक का, वो आ रहे हैं और एक अपना ये है। तो भाई अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जाएं अपन, तो कोई बात नहीं, अभी इनका करते हैं, फिर उनका आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, वहाँ उनके पंडाल में जाके आपको दिखाएंगे मालवीय चौक पे। बस यहाँ निकलने ही वाले हैं, आर्च का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए उसको बनाया जा रहा, बाकी हो रहे हैं भैया अब वो जा रहे हैं, उनका बैटरी का गोप्रो का बैटरी मतलब बैटरी सॉरी मेमोरी वो भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, चलिए अब दिखाते हैं इनका पंडाल कहाँ पे है और इनका जो यहाँ से ढोल वोल से जाते हैं वो सब आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं जो है अपनी मूर्ति है वो निकल चुकी है यहाँ से और आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, देखिए गाइस जय गणेश। गाइस देख सकते हैं अपनी मूर्ति जा रही है और बहुत ही शानदार तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये देखिए गाइस क्योंकि अब मेरी आवाज आने वाली है नहीं, बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है और देख सकते हैं आप। और गाइस बप्पा का जो स्वागत है बहुत एकदम आर्थिक बाजी के साथ तो गाइस देख सकते हैं दूसरे लेन पे बप्पा को ला रहा जा रहा है, देखिए कितना प्यारा है क्योंकि बप्पा का अपने आगमन है तो क्लाइमेट भी आज एकदम से खुश है भाई, बहुत ही ज्यादा शानदार अच्छे लग रहे हैं अपने बप्पा, देख सकते हैं आप लोग भाई इस बार की मतलब जो मूर्ति होने वाली है बहुत ही शानदार है आप लोग देख सकते हैं। और अब ढोल नगाड़े भी इधर से चालू हो गए हैं, वहां पे इसलिए नहीं चालू हुए थे जो मूर्तिकार है उनके पिताजी की डेथ हो गई थी इसीलिए वहां से नहीं बजा रहे, अपन यहां से बजा के चल रहे हैं अपन पंडाल की तरफ। और गाइस बहुत ही मस्त मतलब बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ पे अलग ही वाइब आ रही है, तो आप लोग अब आराम से देखिए। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तार वार उठा के अच्छे से पप्पा को लाया जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इधर पे देख सकते हैं आप कंजेस्टेड एरिया है, तो आराम से पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ आराम से होकर के पप्पा को लाया जा रहा है। और बाकी अपने को अब इसी रास्ते में पूरा सीधा चलना है, हम आपको रास्ता भी दिखाते जा रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक बने रहिएगा, पूरा पंडाल तक का आपको वो व्यू दिखाएंगे कैसा है, तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक बने रहिएगा। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना और जय श्री गणेश। सो गाइस देख सकते हैं यही है अपना पंडाल जहाँ पे बप्पा आ रहे हैं और अपन पहले ही आ गए गाड़ी पार्क करने यहाँ पे, तो आपको सोचा दिखा दूं क्योंकि बाद में फिर क्राउड होगा तो आपको सुनाई ना देगी आवाज़, इसीलिए देख लो यही कुछ पंडाल है भाई और बहुत ही बड़ा पंडाल बनाया गया, इस पर लाइटिंग वगैरह होगी अभी। और गाइस बप्पा बस आ ही रहे हैं आप देख सकते हैं उधर पे, तो चलिए चलते हैं उधर ही और आपको शॉर्ट्स दिखाते हैं। तो गाइज देख सकते हैं बप्पा अपने पंडाल तक पहुंच चुके हैं और गाइज बारिश भी हल्का हल्का हो रही है, इंद्रदेव जी स्वागत कर रहे हैं बप्पा का। और भाई तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे
बहुत सारे तार है तो बहुत दिक्कत जा रही है मूर्ति को अंदर पंडाल तक ले जाने में। मैं नहीं निकलवा रहा हूँ। तो गाइस अब बप्पा को फॉलो करें, हम जबलपुरियाज। हाँ, हम जबलपुरियाज, व्हाट्सअप जबलपुर, ये सब है, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप फॉलो करें, बाकी आप देखें। गाइस देख सकते हैं ऊपर इनको चढ़ा के, और बहुत ज्यादा यहाँ पे तार हैं, तो मतलब जो डंडी है इससे नहीं उठ रहा था, तो ऊपर एक भैया चढ़े हुए हैं वो हटा रहे हैं पूरा तार। भाई बहुत तार है, और बस तो गाइज यही था आज का अपना प्यारा सा ब्लॉग। तो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूर्ति और ये ब्लॉग कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ।